क्लोनाजीपाम 0.25 mg 0.5 mg, नी यानी कि नींद की दवा, बहुत लोग इसको ऐसे ही जानते हैं बिना किसी जरूरत के, बिना किसी डॉक्टर के सलाह के। अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इसको अपनी मर्जी से ले रहे हैं बिना डॉक्टर के सलाह के, तो इसके साइड इफेक्ट जरूर जान लें। बात करें अगर क्लोनाजीपाम के साइड इफेक्ट की, तो ये रेयरली देखा जाता है, बट अगर आप अननेसेसरी किसी के कहने पे या फिर किसी के बताने पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है इसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले। बात करूं कुछ साइड इफेक्ट की, सबसे पहला जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है किसी भी साइकेट्रिक दवा का, तो वो होती है हैबिट फॉर्मिंग। देखा ऐसा जाता है कि जो एल्प्राजोलम के कंपेयर अगर क्लोनाजीपाम को आप करते हैं, तो इसका हैबिट फॉर्मिंग की जो कैपेबिलिटी है उससे बहुत ज्यादा कम है। जैसा कि अगर आप इसको नींद के लिए खा रहे हैं, तो अगर आप इसको लॉन्ग समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, लंबे समय से इसको आप एकदम से छोड़ते हैं, तो हो सकता है आपको इसका विड्रॉल सिंड्रोम देखने को मिले। मतलब विड्रॉल सिंड्रोम मतलब किसी भी दवा को आप यूज करके छोड़ रहे हैं, ये आपकी एक नार्कोटिक्स की कैटेगरी में भी आता है, क्योंकि बेंजोडाइपिन क्लास की ये दवा है। तो इसका अगर आप इस्तेमाल करना अगर आप छोड़ रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपके बॉडी में पसीना बहुत ज्यादा होगा, स्वेटिंग की मात्रा बढ़ जाएगी, आपको सलाइवेशन आपका बढ़ जाएगा, मतलब कि सलाइवा आपका ज्यादा सिक्रीट होने लगेगा। इसके अलावा किसी भी तरीके की, मैं बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ क्लोनाजीपाम की, किसी भी तरीके की अगर आप साइकेट्रिक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं अननेसेसरी बिना डॉक्टर के सलाह के, तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज लाइफ है या फिर आप स्कूल लाइफ है, तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा, आपको बातें सही से याद नहीं रहेंगी, आपके मन में हमेशा कन्फ्यूजन चलेगा। मान लीजिए कोई सवाल या फिर कोई भी आप डाउट है, तो आप कन्फ्यूज रहेंगे हमेशा। इसके अलावा बात करूं मैं बॉडी बैलेंस की, अगर आप ऐसी दवाइयां खाते हैं जो कि आपकी नींद को इंड्यूस कर रहा है, स्लीप को बढ़ा रहा है, तो ये आपके बॉडी का बैलेंस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देता है। अगर आप सही से चल रहे, हो सकता है आप ऐसे चलें जैसे लगे कि आपकी बॉडी में थोड़ा बैलेंस की प्रॉब्लम आ गई है, लैक ऑफ बैलेंस हो जाएगा, आप खड़े हैं, आप सही से आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे, आप हिलते डुलते रहेंगे। इसके अलावा बात करूं अगर मैं इसके जो सिम्टम्स की, तो अगर आप इसका ओवरडोज कर लेते हैं, तो आपको कोमा जैसे गंभीर स्टेट में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसी दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको जो आपकी बॉडी वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप इसको खा रहे हैं, आप हमेशा दवा खा के सोए हुए हैं, बिस्तर पे हैं, तो आपका जो है जाहिर सी बात है आपको भूख नहीं लगेगी, टाइम टाइम से आप खा नहीं पाएंगे, तो आपकी वीकनेस जैसी समस्या का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि बॉडी में चिल्स होना, मतलब ठंडपन महसूस होना, आपको जाड़ा लगेगा, आपको ऐसा महसूस होगा। इसके अलावा हमेशा ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, आपके सिर में लाइट पेन हो सकता है, ये दर्द आपका हल्का भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि ये मसल्स की कंट्रैक्शन को घटा देता है, तो इसलिए आपकी मसल्स में भी पेन होना लाजमी है। तो दोस्तों ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, आप दवा खाने से पहले इसको जरूर जान लें। अगर आपको इसकी जरूरत भी है, तो आप अपने फार्मासिस्ट या फिर किसी प्रैक्टिस डॉक्टर से इसकी सलाह लेकर ही इसका प्रयोग करना शुरू करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।